वेलकम हाउ आर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। चैप्टर नंबर टू इनपुट डिवाइसेस, रीडिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स हैज कंप्लीट इन लास्ट लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव बुक वर्क एंड एक्टिविटी शीट। ओपन बुक पेज नंबर 21। क्वेश्चन ए इज फिल द ब्लैंक्स। अ कीबोर्ड हैज डैश कीज, 104 कीज। डैश इज यूज टू चेक मल्टीपल चॉइसिस टेस्ट, OMR। OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। तो ये जो रिकग्निशन है, सेंसर्स हैं, तो ये किस लिए यूज़ होते हैं? मल्टीपल चॉइसेस टेस्ट करने के लिए। नंबर थ्री इज अ डैश स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट इन शॉप। बारकोड से जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो रीड की जाती है। द पॉइंटिंग डिवाइस इन अ लैपटॉप इज कॉल्ड अ डैश टच पैड। नंबर फाइव इज अ डैश माउस कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर थ्रू स्पेशल सिग्नल। आपने माउस का नेम बताना है जिसमें जो कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के साथ थ्रू स्पेशल सिग्नल, दैट इज कोडलेस, मींस वायरलेस माउस कम्युनिकेट इजीली विद कंप्यूटर विदाउट वायर। नंबर बी इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, री राइट द फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक देम ट्रू। क्लास जो ट्रू और फॉल्स में जो फॉल्स स्टेटमेंट होती हैं, तो आपने उसकी ट्रू भी लिखनी होती है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। तो आप जब भी ये लिखेंगे, मतलब बुक पे सॉल्व करेंगे, तो आप साथ जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसकी ट्रू स्टेटमेंट भी लिखेंगे। फर्स्ट वन इज़ अ टच स्क्रीन इज ओनली यूज्ड एन इनपुट डिवाइस। फॉल्स, अ टच स्क्रीन इज यूज्ड एज एन इनपुट डिवाइस एंड एन आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस भी है एंड आउटपुट डिवाइस भी है। OMR इज कॉल्ड मार्क सेंसिंग, इट्स ट्रू। बारकोड्स आर ब्लैक एंड वाइट लाइन्स ऑफ वेरिंग थिकनेस दैट रिप्रजेंट अ नंबर, ट्रू। ब्लैक और वाइट लाइन्स होती हैं बार कोड में जो कि प्रजेंट करी होती हैं कुछ नंबर्स को। MIDI इंस्ट्रक्शन आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, फॉल्स। सो करेक्ट आंसर इज MIDI इंस्ट्रक्शन कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। नंबर फाइव इज अ फिंगरप्रिंट रीडर इज अ सेंसिंग डिवाइस, यस इट्स ट्रू। Fingerprint reader is a scanning devices. Okay, the next one is select the correct option for each question. Which of these is a pointing device? Mouse, scanner, barcode reader and webcam. The mouse is a pointing device, jo ki pointer karti hai. Number two is, which of these does a sensor detect? Movement, pressure, light and all of the above. जो सेंसर डिटेक्ट करते हैं वो मूवमेंट को भी डिटेक्ट करती है, प्रेशर को भी और लाइट को भी। तो इट्स मीन कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नंबर थ्री इज विच ऑफ दीज कैन बी मोस्ट यूजफुल फॉर अ यूजर हुज हैंड आर ऑक्यूपाइड, लाइट पेन, वेबकैम, वॉइस रिकग्निशन सिस्टम एंड सेंसर। सबसे ज़्यादा यूजफुल क्या है यूज़र के लिए, जो कि अगर हैंड यूज ना करे तो उसके अलावा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या होता है? वॉइस रिकग्निशन सिस्टम। नंबर फोर इज विच ऑफ दीज माइट बी यूज टू ट्रेन पायलट, टच पैड, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट एंड स्कैनर। जॉयस्टिक, पायलट जो हैं वो जॉयस्टिक को भी यूज करते हैं, ट्रेन पायलट। नंबर फाइव इज अ स्मार्ट कार्ड हैज विच ऑफ द फॉलोइंग, मैग्नेटिक इंक, डाटा रीडर एंड माइक्रोचिप। द करेक्ट ऑप्शन इज माइक्रोचिप। ओके, ये बुक वर्क है जो कि आपने बुक पे सॉल्व करना है। जो बुक वर्क के आंसर्स हैं आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी शीट। व्हाट इज अ बारकोड? अ बारकोड इज अ सीरीज ऑफ ब्लैक एंड वाइट लाइंस ऑफ वेरिंग थिकनेस दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई एन आइटम। बारकोड जो है वो ब्लैक और वाइट लाइंस बनी होती हैं इसमें, और सीरीज ऑफ ब्लैक एंड वाइट लाइंस होती हैं जो थिकनेस को शो कर रही होती हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए, कि कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता है ईजिली कौन सा आइटम जो है वो कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा आइटम है, उसकी क्या प्राइस है, उसकी सारी डिटेल वो शो करता है। क्वेश्चन नंबर टू इज़ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एन ऑप्टिकल माउस? एन ऑप्टिकल माउस इज इजी टू यूज़ बिकॉज इट डज नॉट हैव अ रोटेटिंग वॉल, इट कैन बी मूव्ड स्मूथली ओवर एनी फ्लैट सर्फेस। ऑप्टिकल माउस इजी टू यूज़ है, बहुत ज़्यादा यही यूज़ होता है, और बिकॉज इट हैज़ नो रोटेटिंग वॉल and it easily smoothly move anywhere in flat surface, जो कि लेज़र माउस जिसको कहते हैं। नंबर थर्ड इज व्हाट इज अ पक? अ पक इज अ डिवाइस लाइक अ माउस दैट हेल्प्स अस टू ड्रॉ एक्यूरेटली ऑन अ ग्राफिक्स टैबलेट।
पर जो आईपैड के साथ जो ग्राफिक टैबलेट्स हैं उनके साथ जो सेपरेटली एक डिवाइस अटैच होती है ड्राइंग के लिए, मैप्स ड्रा करने के लिए, तो उसके साथ जो एक माउस होता है जो पॉइंट आउट कर रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं उस डिवाइस को, पग। नंबर फोर इज़ व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक स्ट्रिप। अ मैग्नेटिक स्ट्रिप इज़ अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल दैट कैन होल्ड लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ डाटा। मैग्नेटिक स्ट्रिप में जो है ज़्यादा अमाउंट में आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। नंबर फाइव इज व्हाट इज मार्क सेंसिंग। मार्क सेंसिंग इज अ मेथड ऑफ डाटा एंट्री इन विच अ रीडर सेंस द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अ मार्क विच इज यूज्ड इन एंट्री टेस्ट और कॉलेज टेस्ट। एंट्री टेस्ट वगैरह के लिए मोस्टली यूज होता है, जो कि काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होता है तो वो उसको कंप्यूटर जो है वो मार्क को सेंस करके उसको मार्किंग देता है। नंबर सिक्स इज़ व्हाट इज़ अ सेंसर। अ सेंसर इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट मेजर चेंजेस इन टेम्परेचर प्रेशर एंड लाइट एंड सेंड देम टू अ कंप्यूटर फॉर एनालिसिस। सेंसर इज़ अ बेसिकली इनपुट डिवाइस एंड इट कैन सेंस द एंड मेजर द टेम्परेचर प्रेशर और लाइट एंड सेंड इट टू कंप्यूटर फॉर एनालाइज। एक मतलब जितने भी सेंसिंग डिवाइसेस होती हैं वो इन चीज़ों को सेंस करती हैं और कंप्यूटर में जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं डाटा को, ताकि एनालाइज हो सके। जैसे अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के लिए भी कुछ डिवाइसेस हैं, सेंसर डिवाइसेस हैं, तो वो डिटेक्ट करती हैं कितने प्रेशर से कितना अर्थक्वेक आया, तो वो फिर कंप्यूटर से एनालाइज करती हैं कि पहले की निस्बत अब कितना था, कितनी रेटिंग है, तो सारी डिटेल जो है वो कंप्यूटर में स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर टू, कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय सर्कलिंग द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। दीज क्वेश्चंस आर आल्सो इंक्लूड इन योर सिलेबस बट नॉट इन योर बुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर वन इज अ माउस इज अ डिवाइस मूविंग और पॉइंटिंग। टू ऑप्शन इज गिवन, द करेक्ट ऑप्शन इज पॉइंटिंग। यहाँ पे दो ऑप्शन सब में गिवन है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है लेकिन आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। नंबर टू इज यूजिंग अ डिजिटल कैमरा यू कैन टेक पिक्चर एंड व्यू देम। डिजिटल कैमरा में आप पिक्चर लेते भी हैं और फ़ौरन से व्यू कर सकते हैं, तो द करेक्ट ऑप्शन इज इमीडिएटली। टू ऑप्शन इज गिवन, लेटर एंड इमीडिएटली, द करेक्ट ऑप्शन इज इमीडिएटली। नंबर थर्ड वन इज अ प्लेटफॉर्म सेंसर और हैंड हेल्ड पेन आर कॉल्ड अ वैन इज यूज टू रीड बारकोड और फोन कार्ड्स। द करेक्ट ऑप्शन इज बारकोड। अ कार्ड रीडर इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू रीड डाटा ऑन अ सिनेमा टिकट और मैग्नेटिक स्ट्रिप। द करेक्ट ऑप्शन इज मैग्नेटिक स्ट्रिप। टच स्क्रीन वर्क बेस्ट फॉर मल्टीपल चॉइसिस इनपुट और कीबोर्ड इनपुट। द करेक्ट ऑप्शन इज मल्टीपल चॉइसिस इनपुट। टच स्क्रीन जो है वो मल्टीपल चॉइसिस इनपुट के लिए सबसे बेस्ट वर्क करता है। ओके, टुमारोस डायरी इज चैप्टर नंबर टू एक्टिविटी शीट क्वेश्चन आंसर जो अभी हमने डिस्कस किए। कल आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है, फ्राइडे को, तो बी प्रिपेयर एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।